वायुसेना की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय सेना अलर्ट। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पीओके के बालाकोट, चकोती और मुजफ्फराबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों के कैंप तबाह किए हैं। इसमें करीब 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विदेश मंत्रालय में अहम बैठक बुलाई। इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अहम बैठक हुई। इसमें भारत की सभी सीमाओं पर अलर्ट रहने को कहा गया है, साथ ही तीनों सेना प्रमुख को सतर्क रहने को कहा गया है। इस कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में कदम जरूर उठाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। ऐसा पाकिस्तानी सेना की तरफ से होने वाली संभावित कार्रवाई के मद्देनजर किया गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.